मेरी कहानी। मैं एक विवाहित महिला हूँ। मैं अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पति मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। वह अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न रहता है। मैं उनका साथ पाने के लिए हर दिन भीख मांगती रहती हूँ। शायद इसका एक कारण यह भी है कि मैं हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए उसे मुझसे कभी भी लगाव नहीं हुआ। हालांकि मुझे भी इस शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं इसके बारे में राजी हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे। यही एक वजह भी थी कि हम कभी भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हुए। हम केवल नाम के विवाहित जोड़े हैं जो दूसरों लोगों की तरह एक ही घर में और छत के नीचे रहते हैं। हम कभी कभार ही मिलन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एकदम उबाऊ आदमी है। उसे रोमांस के नाम पर भी कुछ भी नहीं आता है। हम शादी के बाद केवल अपने हनीमून पर गए 27। उसके बाद हम आज तक कभी भी एक साथ बाहर नहीं गए। सच कहूँ तो उसका मंद बुद्धि व्यक्तित्व मुझे हर दिन उसे घृणा करने के लिए मजबूर करता। वह केवल अपने काम में डूबा रहता। उसका काम ऐसा जिसकी वजह से उसे ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, इसलिए वह घर पर ही आराम करता रहता था। यही एक वजह है कि उसे दिन में हर मिनट कमरे में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होती है। वह बस बैठता और काम करता, यहाँ तक कि लैपटॉप के सामने खाना भी खा लेता है। वह एकदम आलसी और सुस्त है। उसे केवल एक चीज़ पसंद है, वह घर में बंद रहना। ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उसे इतने सारे हिंट दिए, इतने सारे हमें एक साथ में डेट पर जाना चाहिए, लेकिन उसका रवैया ज्यों का त्यों रहा। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।